तुम फिक्र ना करो, शादी के बाद सब कुछ करेगी। नहीं करेगी, शर्तिया कह सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। हस्बैंड्स की केयर करना तो लड़कियों को बहुत पसंद है। वो है ना, उन्हें ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड के आने से पहले कपड़े धो ले, सब कुछ रेडी रखे, खुद तैयार होके बैठ जाए। हो सकता है कि वो ये सब कुछ ना करे, लेकिन तुम देख लेना, वो बाहर के कामों में बहुत मदद करेगी तुम्हारी, बल्कि घर के कामों में भी। और जो काम उसको नहीं आता होगा उसके लिए मुलाजिम रख लेना। मुलाजिमा मुझे इतने मजे के बिस्किट थोड़ी बना के देगी। हिना बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने कब कहा बुरी है, बहुत अच्छी है। गाड़ी इधर रखिए, इधर। हाँ, आप सही, बस जाने दें। गाड़ी सीधी नहीं है, यहाँ से आपसे चल नहीं रही है, आप अपनी रोड पे कैसे निकालेंगी? पाकिस्तान में ये चीजें मैटर नहीं करती। आराम से, नहीं मैटर करती हूँ, लेकिन सही सही होता है। इधर 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 कह रही हैं, इधर कह रही हैं, इधर कह रहा हूँ, इधर मोड़े, अबे वो एक्सीलरेटर है, ब्रेक। मैंने नहीं सीखी तुमसे। गलती खुद कर रही हैं और मुझे कह रही हैं। क्योंकि तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, और आज तक जिंदगी में कोई मुझ पे इतना नहीं चिल्लाया, यहाँ तक कि एहसान भाई भी। मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, कल रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगी ना, किसी और को छोड़े अपने लिए डेंजरस हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बिल्कुल पड़ता है। आपको सेफ रहना है हाल में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बस पड़ता है। तुम्हारा मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है भाई? मुझे नहीं पता। मुझे कहती है मैं बच्चा हूँ, खुद बच्चों वाली इज्जत कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं मैं आपको नहीं डांटूंगा, तब भी नहीं सीखेंगी मुझसे? मुझे नहीं पता। मेरे पेरेंट्स केनिया में होते हैं। क्यों नहीं आते कभी? नहीं, दादा दादी से मिलना होता है तो इंडिया चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ भाई भाभी हैं। और हिना के पेरेंट्स दुबई में होते हैं। जी। वो यहाँ अकेले रहती है। जी, इसीलिए कह रहा हूँ, देरी नहीं है। बोलो, दे रही।